दशकों के इंतजार के बाद जिसने हिंदुओं के लिए राम मंदिर का दरवाजा खुलवाया, सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो केस का फैसला पलटवाया, वो भारत में कंप्यूटर की क्रांति लेकर आया और पहले ही कार्यकाल में बोफोर्स घोटाले में नाम आया। हमें यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि हम किस नेता, किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। प्रधानमंत्री पर हमारी स्पेशल सीरीज के इस खास एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं देश के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की। सुबह उनकी मां इंदिरा गांधी की मौत हुई थी और शाम को उन्हें अचानक देश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी गई। ऐसा क्यों किया गया? उन्हें इतनी जल्दबाजी में क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया? क्या वजह थी इसकी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें समय के कालचक्र में जाकर इस घटनाक्रम को देखना होगा। बात 30 अक्टूबर 1984 की है। ओडिशा के भुवनेश्वर में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना आखिरी ऐतिहासिक भाषण दिया था। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून। इंदिरा गांधी के इस भाषण के अगले दिन ही उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा लगा जैसे उन्हें अपनी मौत का पूर्वाभास हो गया था। वो मनहूस दिन उनके ऐतिहासिक भाषण के अगले ही दिन आ चुका था। 31 अक्टूबर की सुबह राजधानी दिल्ली में वो हुआ जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया था। एक दिन पहले ओडिशा से लौटने के बावजूद उनका ये दिन काफी व्यस्त जाने वाला था। एक तरफ उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए पीटर उस्तिनोव उनके ऑफिस में इंतजार कर रहे थे, तो वहीं दोपहर में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स कैलाहन के साथ उनकी एक खास मीटिंग होने वाली थी और रात को राजकुमारी एनी के साथ डिनर का प्रोग्राम था। सुबह के करीब 9 बजे थे। इंदिरा गांधी तैयार होने के बाद अपने घर एक सफदरगंज रोड से अपने ऑफिस के लिए निकली जो कि बिल्कुल बगल में ही था। एक अकबर रोड यानी उनके ऑफिस में पीटर उस्तिनोव उनका इंतजार कर रहे थे। कैमरे पर अच्छा दिखने के लिए इंदिरा ने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी थी उस दिन, जबकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी जिसके चलते उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की भी सख्त हिदायत दी गई थी। सुबह के 9 बजे थे। मेन गेट पर उनके सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह मौत बनकर उनका इंतजार कर रहे थे। इंदिरा जैसे ही उनके सामने आई तो उन्होंने हमेशा की तरह दोनों को नमस्ते कहा। तभी बेअंत सिंह ने 38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा पर तान दी। इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। पहले बेअंत सिंह इंदिरा पर फायर करता है, गोली उनके पेट में लगती है। बेअंत के बाद सतवंत सिंह भी करीब 25 राउंड फायर करता है और सारी गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार देता है और इस तरह इंदिरा गांधी का दर्दनाक अंत हो जाता है। उस समय देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे जो उस दिन ओमान की यात्रा पर थे और इंदिरा के बड़े बेटे राजीव उस वक्त पश्चिम बंगाल दौरे पर थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो उस वक्त गांधी परिवार के सबसे करीबियों में से एक थे, वो अपनी किताब द टर्बुलेंट ईयर्स 1982 टू 1996 में लिखते हैं कि जब इंदिरा गांधी पर हमला हुआ उस वक्त राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के कोंटाई में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुझे पुलिस वायरलेस पर मैसेज मिला कि इंदिरा गांधी पर जानलेवा हमला हुआ है। राजीव गांधी को लेकर तुरंत दिल्ली पहुंचे। ये सुनते ही मैंने राजीव को चुपचाप एक पर्ची दी। उसमें लिखा था कि अपना भाषण जल्द खत्म करिए, हमें तुरंत दिल्ली निकलना है। अब राजीव ने जल्दी से भाषण खत्म कर दिया और पूछा कि हुआ क्या है। मैंने बताया कि इंदिरा जी पर हमला हुआ है। ये सुनकर राजीव को बड़ा झटका लगा। मैंने वहां के मौजूद पुलिस अफसर से कहा कि दिल्ली संदेश भेजकर जल्द हमारे लिए एक विशेष विमान मंगवाए। प्रणब दा अपनी इस किताब में उस वक्त हुए पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए बताते हैं कि रास्ते में हमने रेडियो बीबीसी ऑन किया। खबरों से पता चला कि इंदिरा गांधी को 16 गोलियां मारी गई थी। तब राजीव पीछे मुड़े और अपने पीएसओ से पूछा
कि वीआईपी सिक्योरिटी गार्ड जो बंदूकें चलाते हैं उनकी बुलेट कितनी ताकतवर होती है। पीएसओ ने कहा कि सर वो बहुत पावरफुल होती हैं। ये बात सुनकर भरे गले से राजीव मेरी तरफ मुड़े और बोले, क्या मेरी माँ इन गोलियों की हकदार थी? प्रणब दा बताते हैं कि उस वक्त किसी के पास राजीव के सवाल का कोई जवाब नहीं था। हम लोग पत्थर की तरह बैठे रहे। इधर कोलकाता के कोलाघाट में एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर राजीव गांधी को ढूंढने के लिए रवाना किया गया, क्योंकि वो कार से सफर करते हुए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही थी। राजीव के चचेरे भाई अरुण नेहरू को जब पता चला कि राष्ट्रपति ओमान में है, तो उन्होंने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात की और प्लान बनाया कि जैसे ही राजीव कोलकाता से दिल्ली पहुंचेंगे, उन्हें राष्ट्रपति की गैर हाजिरी में उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला देंगे। लेकिन ये प्लान कारगर नहीं हुआ, बाद में इसे बदलना पड़ा। लिहाजा काफी सोच विचार के बाद ओमान से राष्ट्रपति को वापस बुलाने का फैसला किया गया। उधर कोलकाता में करीब 1 बजे इंडियन एयरलाइंस के विशेष विमान ने उड़ान भरी। इस विमान में राजीव के साथ कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी थे। उड़ान भरने के तुरंत बाद राजीव कॉकपिट में चले गए, जहां उन्हें पता चला कि उनकी माँ इंदिरा गांधी अब नहीं रही। विमान में सन्नाटा छा गया। प्रणब दा भी बुरी तरह रोने लगे, लेकिन राजीव ने खुद को संभाला और प्रणब दा को भी। दादा अपनी किताब में लिखते हैं, राजीव शांत थे, ये गुण उन्हें अपनी माँ से विरासत में मिला था। नेहरू की मौत के समय इंदिरा ने भी ऐसा ही साहस दिखाया था। राजीव गांधी के साथ कोलकाता एयरपोर्ट से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलराम जाखड़, गनी खान चौधरी, श्यामलाल यादव, उमा शंकर और शीला दीक्षित भी दिल्ली आए थे। इंदिरा की अचानक मौत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने फिर वही सवाल खड़ा था जो नेहरू की मौत के बाद सामने आया था, कि अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इंदिरा की मौत के विलाप के बाद अब प्लेन के अंदर की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। प्रणब दा के सामने जब ये चर्चा हुई तो सबने मिलकर ये तय किया कि राजीव को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इस महामंथन के बाद प्रणब दा राजीव को विमान के पिछले हिस्से में ले गए और कहा, अब आपको ही पीएम बनना होगा। दादा की बात सुनकर राजीव उनसे पूछते हैं कि क्या आपको लगता है मैं ये सब संभाल पाऊंगा? तब दादा उन्हें समझाते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हम सब आपकी मदद के लिए हमेशा साथ हैं और आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसी माथापच्ची में दोपहर के करीब 3 बजे विमान दिल्ली में उतरता है। कैबिनेट सचिव कृष्णा स्वामी राव, गृह सचिव राजीव के चचेरे भाई अरुण नेहरू और कुछ अधिकारी उन्हें रिसीव करने पहुंचते हैं और वहां से सीधे एम्स अस्पताल के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि हमले के बाद इंदिरा गांधी को वहीं ले जाया गया था। करीब 25 मिनट बाद राजीव एम्स अस्पताल पहुंचते हैं तो आंसुओं का सैलाब अपनी आंखों में लिए सोनिया गांधी अपने पति के गले लगकर रोने लगती हैं। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि सोनिया अपनी सास की हत्या से बहुत घबरा गई थी। वो बार बार राजीव से एक ही बात कह रही थी कि वो पीएम नहीं बनेंगे। पूर्व राज्यपाल पीसी अलेक्जेंडर भी इस बात को अपनी किताब माई डेज विद इंदिरा गांधी में कंफर्म करते हैं। वो लिखते हैं कि सोनिया अचानक अपने पति को लेकर खुद गर्ज हो गई थी। पहले वो लगातार राजीव से रिक्वेस्ट करती रही, इसके बाद झगड़ने लगी और एक ही बात बोलती रही कि तुम पीएम नहीं बनोगे, अगर तुम पीएम बने तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। इसके जवाब में राजीव ने कहा कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं तो वैसे भी मारा ही जाऊंगा। इंदिरा गांधी के सबसे खास नेताओं में से एक रहे प्रणब मुखर्जी अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने कैबिनेट के साथियों के साथ राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले पत्र का पहला मसौदा तैयार किया था। पत्र के जरिए राष्ट्रपति को संसद में कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में राजीव गांधी को चुने जाने का प्रस्ताव भेजा गया। साथ ही उनसे राजीव गांधी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का भी अनुरोध किया गया था। दिल्ली पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह सीधा एम्स अस्पताल गए। वहां से राजीव उनके साथ राष्ट्रपति भवन आए। अब सोचिए क्या गुजर रहा होगा उस वक्त राजीव गांधी के मन पर, वो किस दर्द किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे। एक तरफ माँ की दर्दनाक मौत तो दूसरी तरफ देश को संभालने की जिम्मेदारी, एक तरफ पत्नी का पीएम ना बनने देने का प्रेशर तो दूसरी तरफ पूरी कैबिनेट का उन्हें पीएम बनाने का प्रेशर। खैर, इसी पशुपेश के बीच वो शाम 7:45 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे और नई सरकार की शपथ ली। राजीव के साथ प्रणब मुखर्जी, पीवी नरसिम्हा राव
और पी शिवशंकर ने भी मंत्री पद की शपथ ली। सिख भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बूटा सिंह को भी शपथ दिलाई गई। नवनिर्मित प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने से पहले ज्ञानी जयल सिंह ने इंदिरा गांधी की अचानक मौत पर शोक प्रकट किया और 2 मिनट का मौन रखा। राजीव गांधी की नई सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति भवन से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें आधिकारिक तौर पर इंदिरा गांधी की मौत की घोषणा की गई। साथ ही दूरदर्शन पर पूरे देश को इंदिरा गांधी के निधन की जानकारी के साथ राजीव गांधी की नई सरकार बनने की भी जानकारी देशवासियों को दी गई। इसके 2 दिन बाद 3 नवंबर 1984 को दिल्ली में इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया गया था। इस तरह इंदिरा युग का अंत होता है और राजीव युग की शुरुआत होती है। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister. तो दोस्तों, ये तो बात हुई राजीव गांधी के PM बनने की। भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव 6वें शख्स थे, लेकिन चुनौतियां उनके सामने भी कोई कम नहीं थी। ना तो उन्हें राजनीति का ज्यादा तजुर्बा था और ना ही उनके स्वभाव में चतुराई थी। राजीव सीधे साधे सरल स्वभाव के इंसान थे, जो देश के साथ साथ अपने परिवार को भी कुछ वक्त देना चाहते थे। इसी झुंझलाहट में एक बार उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगी सभी गाड़ियों की चाबी नाले में फेंक दी थी। ये घटना 30 जून 1985 की है। इस दिन एयर चीफ मार्शल IM कात्रे का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। भारी बारिश के बावजूद प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी संवेदना व्यक्त करने के लिए आवास पर गए। लौटते वक्त राजीव ने सुरक्षा अधिकारियों को उनका पीछा न करने के आदेश दिए। कार राजीव गांधी खुद ड्राइव कर रहे थे, उनके साथ पत्नी सोनिया गांधी भी थी। थोड़ी दूर चलने पर राजीव ने देखा कि पूरा काफिला उनके पीछे आ रहा है। राजीव ने गुस्से में कार रोकी, मूसलाधार बारिश में ही बिना छाते के बाहर आए और पीछे चल रही एस्कॉर्ट कारों की चाबी निकाल कर किनारे बह रहे नाले में फेंक दी। सुरक्षा में लगी सभी 6 कारें बीच सड़क में दिल्ली के राजा जी मार्ग पर खड़ी थी। इसके बाद राजीव सोनिया के साथ निकल गए। बड़ी समस्या तब हुई जब PM की कार में लगे वायरलेस से सुरक्षा कर्मियों का संपर्क टूट गया था। बताया जाता है कि करीब 15 मिनट तक राजीव सोनिया से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। सभी हैरान परेशान थे, लेकिन थोड़ी देर बाद सुरक्षा बलों को राहत मिली जब राजीव और सोनिया सुरक्षित PM हाउस पहुंच गए। राजीव के करीब 5 साल के कार्यकाल के दौरान उनके नाम कुछ उपलब्धियां रही तो कुछ मामलों में उनकी खूब आलोचना भी हुई। पहले बात करें उपलब्धियों की, तो भारत में राजीव गांधी को कंप्यूटर क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने कंप्यूटर को हर घर तक पहुंचाने का सपना देखा था और उसे पूरा करने की कोशिश भी की। राजीव गांधी के वक्त ही नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना की गई थी। MTNL और BSNL की शुरुआत भी राजीव गांधी के कार्यकाल में ही हुई थी। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी थे जिनमें राजीव सरकार की खूब किरकिरी हुई थी, और इसी तरह का एक मामला था शाहबानों का, जिसे लेकर आज तक राजीव गांधी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। दरअसल शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसे 59 साल की उम्र में उसके पति ने तलाक दे दिया था। दोनों के 5 बच्चे थे। शाहबानो ने गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट में केस दायर किया। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया, जो उसके पति को नामंजूर था। शाहबानो के पति मोहम्मद अहमद खान खुद भी बड़े वकील थे। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। खान ने तर्क दिया कि जिस धारा के अंतर्गत गुजारे भत्ते की मांग की गई है वो मुस्लिमों पर लागू ही नहीं होती, क्योंकि ये मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा है। मामला 5 जजों की संविधान पीठ में पहुंचा। 23 अप्रैल 1985 को तत्कालीन चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। इससे मुस्लिम समाज के नेता भड़क गए, वो सरकार पर दबाव बनाने लगे। इससे प्रधानमंत्री राजीव गांधी घबरा गए। उन्हें लगा कि इस तरह तो मुस्लिम वोट कांग्रेस के हाथ से निकल जाएंगे, लिहाजा राजीव ने संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। इसके बाद राजीव गांधी पर मुस्लिमों के तुष्टिकरण के आरोप लगने शुरू हो गए। अब राजीव गांधी फिर फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। उस वक्त तक
अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ने लगा था, जिसके चलते राजीव गांधी ने हिंदुओं को खुश करने के लिए एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने 37 साल से बंद पड़े विवादित राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का गेट खुलवाने के लिए 31 जनवरी 1986 को जिला कोर्ट में याचिका दायर की। इसके अगले ही दिन 1 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट जज KM पांडे ने गेट खोलने के आदेश दे दिए और इस तरह से वहां हिंदुओं ने लंबे समय के बाद पूजा अर्चना शुरू की। इसी तरह से एक और मामला था जिसके चलते राजीव सरकार की दुनिया भर में बदनामी हुई थी और वो था बोफोर्स कांड। 24 मार्च 1986 को राजीव गांधी की सरकार ने स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी AB बोफोर्स से 1437 करोड़ रुपए का करार किया था। इस सौदे के तहत इंडियन आर्मी को बोफोर्स तोप की सप्लाई की जानी थी। वरिष्ठ पत्रकार देवाशीष मुखर्जी अपनी किताब द डिस्ट्रप्टर हाउ VP सिंह शुक इंडिया में लिखते हैं कि इस डील में राजीव सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद राजीव सरकार में रक्षा मंत्री रहे VP सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। इस रक्षा सौदे को लेकर स्वीडन की मीडिया ने दावा किया कि डील के लिए AB बोफोर्स कंपनी ने भारत सरकार के बड़े नेताओं और रक्षा विभाग के अधिकारी को 60 करोड़ की घूस दी है। इस खबर से भारत में भूचाल आ गया था। उस डील में गांधी परिवार के नजदीकी इटली के एक बिजनेसमैन ओतावियो क्वात्रोकी ने बिचौलिए का रोल निभाया था। आरोप है कि उन्होंने ही दलाली की रकम नेताओं तक भिजवाई थी। इसी हंगामे के बीच 1989 में आम चुनाव हुए और राजीव गांधी को देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। चुनाव के 2 साल बाद वही हुआ जिसका सोनिया गांधी को डर था। दरअसल राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान दक्षिणी पड़ोसी देश श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। राजीव के इस कदम से तमिल विद्रोही संगठन लिट्टे पूरी तरह भड़क गया था और वो इस बात का बदला लेने के लिए उतावला था। एक बार श्रीलंका में ही राजीव गांधी पर बंदूक की वज से जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन वो बच गए। मगर कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है, जो लिखा है वो होकर रहेगा। साल आया 1991, जब लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए राजीव चेन्नई के पास श्री पेरम्बटूर गए तो वहां लिट्टे ने उन पर ऐसा खतरनाक आत्मघाती हमला करवाया जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये तस्वीर उनकी मौत से कुछ सेकंड पहले की है, जब राजीव को फूलों का हार पहनाने के बहाने लिट्टे की महिला आतंकी धनु आगे बढ़ी। उसने राजीव के पैर छुए और झुकते हुए कमर पर बंधे विस्फोटकों में ब्लास्ट कर दिया। वो धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई लोगों के चीथड़े उड़ गए। चारों तरफ चीख पुकार मच रहा था। जैसे ही धुआं छटा तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तलाश शुरू की गई, लेकिन वहां उनके शरीर के टुकड़ों के अलावा कुछ न मिला और इस तरह देश ने एक सुपर विजनरी नेता को खो दिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।